क्या आपको ये एडमिशन पॉलिसी में शॉकिंग चेंज के बारे में पता चला कि सीयूटी 2025 से 12th की परसेंटेज को भी कंसिडर किया जाएगा यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए। एंड ऑल्सो गाइस, क्या आपको पता है कि इस एडमिशन पॉलिसी के हिसाब से सबसे पहले आप सीयूटी एग्जाम दे दोगे, आपको यूनिवर्सिटी सीट भी दे देगी, लेकिन वेरिफिकेशन के दौरान आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो ये जो रिजेक्शन पॉलिसी है ये भी मैं इस एक वीडियो में आपको बता दूंगा। बस ये रिक्वेस्ट है कि चाहे 2x पे देखो लेकिन एंड तक जरूर देखिएगा। नाउ फर्स्टली गाइस, आई नो आप सभी ये सुन के एकदम शॉक हो गए होंगे कि यार अब 12th की परसेंटेज भी सीयूटी में काउंट होगी, इसका मतलब सीयूटी में भी फुल नंबर लाने पड़ेंगे और 12th में भी 97 98 99 परसेंटेज लानी पड़ेगी। क्या ऐसा है भैया? तो इसका आंसर है नहीं। आप लोगों को ये जो न्यू चेंज हुआ है हमारी एडमिशन पॉलिसी में ना, अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे आगे आपको डाउट ना आए। कई बच्चे सवाल पूछ रहे थे कि क्या भैया DU सीयूटी को एक्सेप्ट करेगा एडमिशन के लिए? तो यस, दिल्ली यूनिवर्सिटी सीयूटी के थ्रू ही आपका एडमिशन करेगी। बट भैया यहां पे आपने आर्टिकल कौन सा अटैच किया हुआ है जहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बोल रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी टू यूज क्लास 12th मार्क्स टू एडमिट स्टूडेंट्स इन UG प्रोग्राम? तो इसका बेसिकली गाइज ये मतलब है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले 2 से 3 साल में ये देखने को मिल रहा है कि सीयूटी एग्जामिनेशन के थ्रू जब दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने एडमिशंस कंडक्ट कर रही है तो कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसके अंदर उनकी जो सीट हैं वो बिल्कुल वेकेंट हो जा रही हैं। जब 12th के मार्क्स कंसीडर हो रहे थे तब वो सीट वेकेंट नहीं हो रही थी, लेकिन जब सीयूटी आया तब कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज की सीट बिल्कुल वेकेंट जा रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने अपनी एडमिशन पॉलिसी में ये क्लॉज भी ऐड किया है कि यार देखो, हमें सबसे पहले तो सीयूटी के थ्रू ही एडमिशन कराना है, लेकिन अगर कुछ कोर्सेज में सीयूटी के थ्रू एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो उस सिचुएशन में हम कई बच्चों के 12th की परसेंटेज को कंसीडर करके उनको वो पर्टिकुलर सीट अलॉट कर देंगे। तो ये जो पर्टिकुलर पॉलिसी है ये सभी यूजी प्रोग्राम्स के लिए नहीं है, ये पर्टिकुलर पॉलिसी सिर्फ कुछ पर्टिकुलर यूजी प्रोग्राम्स के लिए है जिसके अंदर सीट भरी ही नहीं पाती, सीट वेकेंट रह जाती है। तो बाकी गाइस, अगर आप लोग कोई बीए का कोर्स करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, तो यहां पर तो ऑलरेडी बहुत कॉम्पिटिशन है, सीट वेकेंट होने का सवाल ही नहीं हो पाता। तो यहां पर तो आपके सीयूटी मार्क्स ही कंसिडर किए जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी कई सारे ऐसे बीवॉक या लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं जैसे उर्दू ऑनर्स, अरबिक ऑनर्स, यहां पर सीट खाली रह जाती है, तो वहां पर 12th की परसेंटेज को कंसीडर किया जाएगा। ऑल्सो गाइस, अभी ये पर्टिकुलर पॉलिसी सिर्फ DU में आई है, बट बहुत हाई चांसेस हैं कि बाकी यूनिवर्सिटीज जैसे कि BHU, JNU, JMI, AU भी ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें। स्टिल मैं बोलूंगा 12th पे जरूर फोकस करिएगा, ये नहीं कि 12th को बिल्कुल इग्नोर कर दें और सीयूटी पर ही ध्यान दें। आगे मैं गाइस आप सभी को पूरी की पूरी एडमिशन पॉलिसी भी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपका एडमिशन होगा। बट उससे पहले आप सभी की एक बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया ओसवाल की जो आप किताबों का रिव्यू कर रहे हो वो मेनली अभी तक आपने इंग्लिश और GD का किया है, बट एक बार डोमेन का भी रिव्यू कीजिए। तो अब मैं आपको ओसवाल की डोमेन्स की बुक्स का भी रिव्यू करके दिखाता हूं। सो आज गाइस हम रिव्यू करने वाले हैं ओसवाल के कॉमर्स डोमेन की किताबों का। मैंने ऑनेस्टली टेलिंग यू ये तीनों बुक्स को थरली सॉल्व किया है एंड तब जाके मैं आपके लिए डिटेल रिव्यू लेके आया हूँ। इसमें सबसे पहले तो आपको 2024 और 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं और हर एक एक चैप्टर के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए। इसके अंदर हर एक क्वेश्चन के गाइज आपको डिटेल्ड आंसर्स देखने को मिलते हैं और मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज इस बुक की पसंद आती है दैट इज देयर रिवीजन नोट्स। जैसे कि अगर आपको अकाउंटेंसी एक दिन के अंदर रिवाइज करनी है और अगर आपके पास नोट्स नहीं बने हुए हैं, इन दैट केस आप लोग ओसवाल के रिवीजन नोट्स और इनके माइंड मैप्स की मदद से पूरा का पूरा सिलेबस क्विकली रिवाइज कर सकते हैं एक दिन के अंदर। इसके अंदर आपको इस तरीके से चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं और इसी के साथ साथ ओसवाल एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाए हुए यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। डिफिकल्टी लेवल की मैं बात करूं तो यहां पर आपको इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट तीनों डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, जो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके अंदर MCQ के साथ साथ assertion reasoning question
एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सब आपको एक जगह पे मिल जाता है। बस एक छोटा सा क्रिटिक यही है कि क्वांटिटी थोड़ी कम है, लाइक हर चैप्टर में आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिलते हैं, बट क्वालिटी वाइज इट इज रियली गुड। इफ यू वॉन्ट टू परचेज दिस बुक, लिंक इज गिवन इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ अब हम बात करते हैं गाइस कि कैसे सभी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होता है सीयूटी एग्जामिनेशन देने के बाद। अब आप बोलोगे कि भैया ये तो सीयूटी एग्जाम के बाद होगा, तो अभी से हम ये चीज क्यों जाने? ये इसलिए जानिए क्योंकि कहीं आप लोग भी बाकी बच्चों की तरह रिजेक्ट ना हो जाएं। भैया ये रिजेक्शन पॉलिसी क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले तो आपका सीयूटी एग्जामिनेशन कराया जाता है। जब आपका सीयूटी एग्जामिनेशन होगा, आपके पास सीयूटी की मार्कशीट होगी, उसके बेसिस पर सभी के सभी यूनिवर्सिटीज आपका एडमिशन कराएंगी। नाउ जब आपका सीयूटी एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद हर एक एक यूनिवर्सिटी अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करेगी। बहुत सिंपल काम है गाइस, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम नहीं है। आपको वो अपना एप्लीकेशन भरना होगा जिसमें आपके आपकी डिटेल होगी, आपके पेरेंट्स की डिटेल होगी, आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट की डिटेल होगी, आपकी इनकम की डिटेल होगी, आपका एड्रेस होगा, बैंक अकाउंट की डिटेल होगी। ये सभी डिटेल्स इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको भर के देनी है, जिसको फेस वन का नाम दिया गया है। फिर उसके बाद आता है आपका फेस टू। इस फेस टू में मेनली आप सभी को प्रेफरेंसेस भरनी होती हैं, और ये जो हमारा फेस टू है ये मेनली दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आता है, बाकी यूनिवर्सिटीज में ये फेस टू नहीं आता है। बाकी यूनिवर्सिटीज में फेस वन के बाद डायरेक्टली फेस थ्री पर जंप किया जाता है, बट स्टिल आप में से बहुत बच्चे DU BHU टारगेट कर रहे हैं, तो ये फेस टू के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो मेनली गाइस ये जो फेस टू है ये होता है प्रेफरेंस सिलेक्शन वाला फेज, जिसके अंदर आपको प्रेफरेंस देनी होती है कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70 कॉलेजेस हैं और 70 कोर्सेज हैं, तो मेरी क्या प्रेफरेंस है कि पहले मुझे कौन सा कॉलेज एंड कोर्स मिलना चाहिए, सेकंड मुझे कौन सा कॉलेज एंड कोर्स मिलना चाहिए, तीसरा मेरी क्या रैंकिंग में होगा कि मुझे ये कॉलेज एंड ये कोर्स में जाना है। तो इस तरीके से आपको हर एक कोर्स और हर एक कॉलेज की अपने हिसाब से अपनी प्रेफरेंस से रैंकिंग करनी पड़ती है। अगर अभी भी समझ नहीं आया, अभी भी ये पर्टिकुलर फेज कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो अभी समझने की जरूरत नहीं है, आगे चल के मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो ले आऊंगा और आसान भाषा में समझा दूंगा, बट अभी इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है फेज थ्री, जो हर एक एक यूनिवर्सिटी में होता है, एंड दैट इज एडमिशन देने का, सीट एलोकेट करने का कि यार आपके स्कोर पर आपको ये सीट दी जाती है, ये पर्टिकुलर कोर्स एंड ये पर्टिकुलर कॉलेज आपको अलॉट किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सीट अलॉट होने के बाद भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है? कैसे भैया? सो मेनली क्या होता है ना गाइस कि जब आपको सीट अलॉट करी जाती है, उस समय पर जो पर्टिकुलर कॉलेज आपको दिया जाता है वो कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट्स को और आपके सीयूटी के स्कोर कार्ड को रिव्यू करता है, वेरीफाई करता है, और उस समय पर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स और अगर आपके स्कोर कार्ड में कोई भी गलती दिखी तो आप आउट राइट रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, जो पिछले साल कई हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स के साथ हुआ था, हंड्रेड्स क्या थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के साथ हुआ था। नाउ रिजेक्ट होता है मेनली दो रीजन की वजह से। सबसे पहले या तो आपने सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं चुना, या फिर आपने सीयूटी के अंदर ऐसे सब्जेक्ट का एग्जाम दे दिया जो आपके पास ट्वेल्थ में नहीं था। तो ये गलती मत करिएगा कि आप ऐसे सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दे दें जो आपके पास ट्वेल्थ में है ही नहीं। जैसे अगर आपके पास ट्वेल्थ में मैथ्स है ही नहीं, लेकिन सीयूटी में अगर आपने मैथ्स दे दिया, सो यू विल बी रिजेक्टेड। सो ये गलती मत करिएगा, एंड आई होप आपको ये चीज़ें पहले से पता चल रही हैं, तो आप लोग ये गलतियाँ नहीं करेंगे जैसे पिछले साल हज़ार बच्चों ने कर दी थी। सो ये चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइमली मिलती रहें, और आप बाकियों की तरह पैनिक ना करें इस आर्टिकल को सुन के, और मेरे से आपको डिटेल अपडेट्स मिलती रहें। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।